हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं, उससे मिलकर मैं खुश नहीं था, उससे शादी कर कर आज वो बहुत खुश है, मैं खाना खाकर आया हूँ, पापा को बताकर मैं आया हूँ, झूठ बोलकर तुम वहाँ गए थे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पर कोई काम कर कर या कोई काम करके मैंने कोई दूसरा काम किया, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे कंप्लीट सेंटेंस, उसके बाद लगाएंगे हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि आप चाहें तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म को स्टार्टिंग में भी राइट कर सकते हैं। अगर कोई उसके बाद अदर वर्ड आएगा तो वहीं पर ऐड करेंगे हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद एक छोटा सा कमा और लास्ट में कंप्लीट सेंटेंस। इसको स्टार्टिंग में और एंडिंग में दोनों जगह ऐड कर सकते हैं, अब अपने इच्छा अनुसार जहां आपको अच्छा लगे। तो इसको और भी बेटर तरीके से समझते हैं उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो आज का पहला एग्जाम्पल है, उससे मिलकर मैं खुश नहीं था। हैविंग मेट हर आई वॉजेंट हैप्पी। हैविंग मेट हर आई वॉजेंट हैप्पी, या आप कह सकते हैं आई वॉजेंट हैप्पी हैविंग मेट हर। आई वॉजेंट हैप्पी हैविंग मेट हर, वॉच नोट को वॉजेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं खाना खाकर आया हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई कम हैविंग हैड फूड। आई कम हैविंग हैड फूड, आप इसको और दो तरीके से बोल सकते हैं। आई कम हैविंग टेकन फूड। आई कम हैविंग ईटन फूड। ईटन, टेकन या हैड, तीनों वर्ब का यूज किया जाता है खाने के लिए या पीने के लिए भी। नेक्स्ट सेंटेंस, झूठ बोलकर तुम वहाँ गए थे। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हैविंग टोल्ड अ लाई यू वेंट देयर। हैविंग टोल्ड अ लाई यू वेंट देयर, टोल्ड अ लाई की जगह आप सिंपल बोल सकते हैं हैविंग लाइड यू वेंट देयर। हैविंग लाइड यू वेंट देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, पापा को बताकर मैं आया हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे I've come having told dad. I've come having told dad, या my dad भी कर सकते हैं क्योंकि अपने पापा को बताएगा, जो नॉर्मली सी बात है, सबको पता है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। काम पूरा कर कर मैं घर गया था। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे having completed the work I went home. Having completed the work I went home, या कह सकते हैं I went home आफ्टर कम्प्लीटिंग वर्ब। आफ्टर का यूज कर सकते हैं। अगर आफ्टर का यूज कीजिएगा आप, तो उसके बाद आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा, बस ये याद रखिएगा। हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं, आगे से याद रखना, आगे से समय पर आना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे से तुम मुझे फ़ोन मत करना, आगे से सबकी बात मानना। तो इस तरीके के छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। और यहाँ पर जो फ्रेज आया है आगे से, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, या आप कह सकते हैं फ्रॉम नाउ ऑन। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स या फ्रॉम नाउ ऑन, इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों में से कोई एक राइट करेंगे, उसके बाद लगाएंगे कमा, और कमा को लिखने के बाद कंप्लीट सेंटेंस। आप चाहे तो पहले सेंटेंस बोलिए और लास्ट में फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स या फ्रॉम नाउ ऑन, दोनों में से कोई एक लगाइए। अगर लास्ट में राइट कीजिएगा तो याद रखिएगा कोई कमा नहीं लगेगा, शुरू में राइट कीजिएगा तो कमा लगेगा। अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ताकि आपको ये और भी बेटर तरीके समझ में आ जाए। तो आज का पहला एग्जाम्पल है आगे से याद रखना, ऐसा सेंटेंस हम लोग अक्सर बोलते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कीप इन माइंड। From now onwards, keep in mind. You can also say keep in mind from now onwards. Yeah, keep in mind from now on. Next sentence, आगे से समय पर आना। इस sentence के लिए बोलेंगे come on time from now onwards. Come on time from now onwards. Yeah, come on time from now on. Next sentence, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। इस sentence के लिए बोलेंगे this shouldn't happen from now onwards. This shouldn't happen from now onwards. Next sentence, आगे से तुम मुझे फ़ोन मत करना। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे From now onwards, don't call me.
फ्रॉम नो ऑनवर्ड्स डोंट कॉल मी। नेक्स्ट सेंटेंस, आगे से सबकी बात मानना। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लिसन टू एवरी वन फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स। लिसन टू एवरी वन फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स, यहाँ पर आप एवरी बडी का बीच कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आगे से ऐसा मत कहना। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डोंट से सो फ्रॉम नो ऑनवर्ड्स। डोंट से सो फ्रॉम नो ऑनवर्ड्स। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आपको गलती करेंगे तो मैं आपको कलर करके बता दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगे थे, अच्छी लगे थे, लाइक कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकॉन को हिट कर लिए ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार लेसन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, चेक योरसेल्फ। बाय बाय।